नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत प्राचीन भारत में हम लोग गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्राचीन भारत में हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, बौद्ध, जैन, ये सारे चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग गुप्त को पढ़ेंगे, साथ ही इसमें जो भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं आप उसे लिख कर अच्छे से रिवाइज करें। आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त राजवंश इतिहास के कुछ स्रोत को देखते हैं। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय एवं रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। इसके अलावा देखते हैं शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम तथा वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है तथा कामसूत्र के रचयिता कौन है? आगे देखते हैं एक अन्य स्रोत, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शकुंतलम से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कई दफ़ा पूछा गया है कि कुमार संभवम के रचयिता कौन है, ऋतु संहार के रचयिता कौन है, कालिदास। आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने के कुछ पुरातात्विक स्रोत। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त साम्राज्य के बारे में। आगे देखते हैं हूण आक्रमण के बारे में जानकारी स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। कई दफा यह प्रश्न पूछा गया है कि हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख। आगे देखते हैं स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सवाल पूछा जा सकता है, किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखते हैं गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपया एवं तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी को रुपया एवं तांबे को माशक कहा जाता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रांत के बयाना से मिला है। यह क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के बयाना से। आगे देखते हैं अजंता एवं बाघ की गुफाओं में जो चित्र हैं उससे भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ये थे पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं विदेशी यात्री। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासक। पहला शासक है श्री गुप्त। श्री गुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा की उपाधि प्राप्त की थी। महाराजा सामंतों की उपाधि होती थी जो कि सामंतों के द्वारा दिया जाता था। श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया। यह बात इत्सिंग के विवरण से पता चलता है। आगे देखते हैं श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। यह बात स्कंदगुप्त के सुपिया लेख जो कि मध्य प्रदेश में है से प्रमाणित होती है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 350 ईसा पूर्व। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना
और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319 ईसा पूर्व में हुआ और इसी काल को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। हमसे पूछा जा सकता है गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? 319 में। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसके बाद लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा लिच्छवियों की सहायता से अपना राज्य विस्तार किया, जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को। तथा आगे देखते हैं, तथा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के में लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार इत्यादि अंकित है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के को चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही चलाया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अब देखते हैं समुद्रगुप्त 350 से 375। समुद्रगुप्त 350 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त तथा आर्यावर्त के 12-12 शासकों को युद्ध में हराया। ध्यान दें कि इसने समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त तथा आर्यावर्त के 12 शासकों को युद्ध में हराया था। इसी वजह से इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और यह किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। आगे देखते हैं विजय अभियान के कुछ स्रोत। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, यहीं पे सवाल बनता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन, ध्यान रखें आप इन सारी बातों को। आगे देखते हैं, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हमसे पूछा जा सकता है कि हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। उसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की जीत तथा 4थे श्लोक में उत्तराधिकारी बनने के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता अर्थात धरणीबंध बताया गया है। हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी का विजेता बताया गया है? और प्रयाग प्रशस्ति में ही सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव, दानी राजा कहा गया है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूर्णा अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त की मुद्रा, जो कि पांच प्रकार थी, पांच प्रकार की थी। पहला प्रकार है गरुड़ प्रकार, जिसमें कि यह बताया गया है कि सैकड़ों युद्ध जीतने वाला पराक्रमी या पराक्रम। अगला प्रकार है धनुर्धारी प्रकार, इसमें सिंहवाहिनी देवी की उपाधि अप्रतिरथ तथा राजा धनुष बाण के साथ दर्शाया गया है। अगला प्रकार है अश्वमेघ प्रकार, जिसमें कि अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण मिलता है। चौथा प्रकार है व्याघ्र हनन प्रकार, जिसमें कि व्याघ्र को अखोट करते हुए तथा गंगा घाटी की विजय एवं समुद्रगुप्त नाम अंकित है। और अंतिम पांचवा प्रकार है वीणा वादन प्रकार, जिसमें यह दर्शाया गया है कि संगीत के प्रति प्रेम। उत्तर भारत में अपने विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन एवं कोतकुलज को हराया था। दक्षिणापथ में कुल
12 राज्य थे। इसे जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई थी। ये 3 नीतियां थी, शत्रु पर अधिकार अर्थात ग्रहण कर लेना, दूसरा था शत्रु को मुक्त करना अर्थात मोक्ष कर देना, तथा तीसरा था शत्रु को राज्य लौटाना अनुग्रह। आगे देखते हैं। दक्षिणा पथ में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध में 9 राज्यों को पुनः जीता। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया तथा फ्लीट के अनुसार आठविक राज्य यूपी के गाजीपुर से एमपी के जबलपुर तक फैला हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में कि समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया, दूसरा स्टेटमेंट आठविक राज यूपी के गाजीपुर से एमपी के जबलपुर तक फैला था। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की विशेषताएं। समुद्रगुप्त ने अपनी जीत के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की, तथा समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमसे पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की, तथा कविराज के अलावा समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अतिप्रथ पराक्रमांक इत्यादि उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया? समुद्रगुप्त ने। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी, जिसे समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया था।